तो गाइस देख सकते हैं ये सैमसंग का फ़ोन है, जो इसमें कारण क्या है, इसमें फ़ोन वो जो किस कस्टमर का फ़ोन था वो पानी में उसका वाटरप्रूफ चेक करने के फेर में वो फ़ोन को पानी में डाला था, जो फ़ोन उसका ऑन नहीं हो रहा है। हम इसको चेक कर लेते हैं, हम इसको खोल लिए हैं देख सकते हैं यहाँ पे, और मॉडल है सैमसंग का 32 5G मॉडल है, अभी ये न्यू मॉडल है। तो इसमें करना क्या है ये हम लोग पहले चेक करेंगे, कारण क्या है, इसमें पानी कहाँ पे गया हुआ है जो शॉर्ट कर गया है, इसको हम लोग रिपेयर करेंगे, क्योंकि ज़्यादा पहले इसको रिपेयर करना ही होता है। और हम लोग इसको अच्छे तरीके से पहले खोल लेते हैं ये फ़ोन को, हम लोग यहाँ से स्क्रू खोल लेते हैं इस फ़ोन को अच्छे से, और यहाँ पे हम लोग इसको चेक करेंगे सबसे पहले पानी का ढक्कन कहाँ पे गया है जहाँ शॉर्ट हुआ है। इस वजह से देखिए यहाँ पे इस जगह पे पानी गया हुआ है, इस जगह पे कैमरे के पास जो सेंसर के बगल में एक आईसी रहता है छोटा सा, देख सकते हैं जो चार्जिंग आईसी सब लोड लेता है। देखिए यहाँ पे शॉर्ट कर रहा है, मतलब सेंसर है जैसे कैमरे के बगल का, कैमरे का आईसी है ये जो ये शॉर्ट कर रहा है, इस वजह से यहाँ पर फ़ोन ऑन नहीं हो पा रहा है, जो पानी का मात्रा गया हुआ जो शॉर्ट कर गया यहाँ, तो ये वाटर डैमेज है फ्रेंड्स। फुल शॉर्ट फ़ोन को कैसे सॉल्व करना है इस जगह पे, आपको पहले इस फ़ोन को हम लोग कैमरा अच्छा से तो खोल लिए हैं, तो आपको पहले कैमरा वैमरा इसका सब निकाल लेना है। और इसको करना क्या है, पहले हम लोग चाहे थिनर से साफ कर लीजिए या पेट्रोल से साफ कर लीजिए, इसको अच्छे से पहले फ़ोन को वाश कर लीजिए। फ़ोन को वाश करने के बाद इस फ़ोन को अच्छे से पहले वाश करना, मतलब पानी का ज़रा कहीं भी हल्का लिक्विड ना रहे, क्योंकि उससे क्या होगा फ्रेंड्स कि मोबाइल फिर जल्दी ऑन नहीं होगा, कुछ और चल जाएगा। पहले अच्छा तरीके से आप लोग बोर्ड को चेक कर लीजिएगा कि किस जगह पानी गया हुआ है। तो हम लोग इसको फटाफट पहले साफ़ कर लेते हैं पूरे अच्छे तरीके से, क्योंकि ये वाटर डैमेज हो गया है, मतलब डेट हो गया है। तो हम लोग इसको चेक कर लेते हैं, इसको अच्छे से तो हम लोग साफ़ कर लिए हैं। तो इस जगह पे इस आईसी को हम लोग चेक करेंगे मीटर से, मल्टीमीटर से, कि ग्राउंड पॉजिटिव प्लस माइनस वोल्टेज ठीक से दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो हम लोग इसको चेक कर लेते हैं कि ज़्यादा इसमें शॉर्ट कर रहा है कम शॉर्ट कर रहा है, तो इस हिसाब से कॉइल को रिपेयर किया जाएगा, क्योंकि पानी जाने के बाद उस कॉइल में पानी जाने के बाद फैंस को शॉर्ट हो जाता है, हल्का मतलब शॉर्ट हो जाता है, जो इस वजह से फ़ोन आज के डेट में जो स्मार्टफोन 5G फ़ोन है वो ज़रा सा भी मतलब बोर्ड उतना संभालता नहीं है, देख सकते हैं ये कैपेसिटर में लाइन सब नहीं आ रहा है। तो हम लोग इसको रिपेयर करेंगे इस जगह पे आयरन के मदद से, आपको इसमें हॉट गन से हीट रिवोल्व नहीं करना है, इस जगह पर आपको हल्का टेम्परेचर से ही काम करना है, पहले आयरन से कर लेते हैं, क्योंकि इस जगह पे आयरन जो काम करेंगे। और यहाँ चेक कर लेते हैं, नो बता रहा है ग्राउंड लाइन, मतलब अब इसको हम लोग इस जगह पे चेक कर लेते हैं कि इसको कैपेसिटर सब छोटा छोटा कैपेसिटर जो है वो रिपेयर करेंगे। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग कैपेसिटर को रिपेयर कर रहे हैं इस जगह पे, इतना ये जो है कैपेसिटर पर जो सर जाता है उसका लाइन कट जाता है, तो आप उसको क्या कीजिएगा, पहले आयरन से उसको अच्छे से रिवोल्व कीजिएगा, आयरन से देख सकते हैं हम लोग इसको आयरन से अच्छे से इसको रिवोल्व कर रहे हैं, क्योंकि ये फ़ोन आगे मतलब शॉर्ट ना हो, शॉर्ट भी इसका रिमूव हो जाए और कैपेसिटर आईसी भी इसका तोड़ना ना पड़े जो फ़ोन ऑन हो जाए। देख सकते हैं अब हम लोग यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि इसमें करेंट आया कि नहीं आया, देख सकते इसमें करेंट आ चुका है, अब यहाँ शॉर्ट ख़त्म हुआ कि नहीं, देख सकते हैं यहाँ पे पूरा शॉर्ट ख़त्म हो चुका है फ़ोन का, मतलब ये पूरा आप अच्छे से ये शॉर्ट ख़त्म हो गया, जो कैपेसिटर में शॉर्ट था फ्रेंड्स ये पूरा शॉर्ट ख़त्म हो गया है। अब हम लोग इसको हल्का टेम्परेचर 350 हॉटगन मशीन का इतना टेम्परेचर रख के हल्का सा भाप लगाएंगे। आप लोग हम लोग पहले इसको अच्छे से फिर से चेक कर लेते हैं, देख सकते हैं यहाँ अच्छे से वर्क कर रहा है, मतलब शॉर्ट ख़त्म हो गया, तो इसको हल्का हीट भी कर लेंगे बोर्ड को, टेम्परेचर रखिएगा 350 के आसपास और हवा लिक्विड 3 पॉइंट के अंदर में, तो इसको इतना ही में भाप लगाना है, उतना ज़्यादा हीट नहीं कर दीजिएगा जो फ़ोन हीट डैमेज हो जाए। इस वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग रिपेयर किए हैं, देख लीजिए पूरे अच्छे से देख लीजिए, आयरन से रिपेयर किए हैं, देखिए यहाँ के कैपेसिटर सब पूरा अच्छे से वर्क कर रहा है, मतलब यहाँ पर सरा हुआ था कैपेसिटर सब यहाँ से हट चुका है, मतलब अभी अच्छे से रिपेयर कर दिए। इसी तरह आयरन से आप रिपेयर कर लीजिए, उसको
सोल्डिंग उसके ऊपर से मारना होता है, कोई मेहनत ज़्यादा नहीं है, आसान तरीका है। और हम लोग यहाँ कैमरा वैमरा अच्छे से फिट उट कर लेते हैं। आप लोग फ्रेंड्स हमारे वीडियो देखते होंगे, वीडियो को स्किप करके नहीं देखिएगा। और चैनल पे आप लोग होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स। और ये देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग इसको नेटवर्क तार और कैमरा वैमरा सब सेट कर दिए हैं। अब हम लोग इसको फ़ोन को चेक कर लेते हैं कि फ़ोन ऑन होता है कि नहीं। देख सकते हैं ये फ़ोन पूरी अच्छे तरीके से ऑन हो चुका है, एक बार में ही ऑन हो गया। इसी तरह आपको वाटर डैमेज और डेड फ़ोन को बनाना है, क्योंकि आईसी जरा सा मिस कीजिएगा तो फ़ोन पूरा डेड हो जाएगा, इस वजह से फिर ऑन नहीं होगा। देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग इसको नट उट कस लेते हैं, क्योंकि ये फाइनल हो चुका है फ़ोन, ये कम्प्लीट हो गया। मतलब इसी तरह आपको इस फ़ोन को बनाना होगा। इसमें फ्रेंड्स इतना मेहनत नहीं है, आसान है। अभी 5G मॉडल, ज़्यादा आईसी छोटा छोटा जो आईसी होता है कैपेसिटर, वो कैमरे का आईसी शॉर्ट था, इतना वो गंभीर नहीं था। कैमरे का आईसी जो होता है ना फ्रंट कैमरा में, आगे में पानी चला गया तो उस आईसी में पानी जाने की वजह से वो शॉर्ट कर गया, तो इस वजह से वो डैमेज कर गया। तो आप लोग उसको रिपेयर अच्छे से ही कीजिएगा। देख सकते हैं हम लोग इस फ़ोन को पूरे अच्छे कम्प्लीट बना चुके हैं। और ये देखिए वीडियो में बने हुए हैं, लाइक कीजिए।